हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं कोनी पाठक और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज तो भैया हम लोग ऐश करने वाले हैं, क्योंकि हमारे घर के तो हिटलर जो है ना वो जा रहे हैं कहीं बाहर, तो हम तो मौज करेंगे। ओ बल्ले बल्ले, दिखाते हैं आपको। तो मतलब हिटलर कपड़े देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कपड़े, अभी टॉप में है उधर मशीन। इन कपड़ों ने आज मेरा हिलना डुलना बंद किया, इतना भीग गए थे कल ठंड से। मामा मामा ये बना रही है, आज तैयारियां कर रही है। अच्छा, ये लोग जा रहे हैं दद्दू और भाभी, दद्दू और मम्मी कहीं, आज वहां की तैयारी हो रही है। ये रही मिठिया रानी, जिसे बंद किया हुआ है कमरे में। मम्मी पुए, मम्मा एक पुए वाली रेसिपी का था यार, वीडियो बनाने को बोला था। ये रहे पुए, ये रहे पुए, देखिए जी ज्यादा ही बन रहे हैं आज। फटाफट से ना इसमें बता दो कैसे करते हो, तुम्हें तो खत्म भी हो गया है। हम ऐसा करते हैं जी, ये इसमें सूजी छान के डाली पहले, हाँ, फिर उसमें अजवाइन मिलाया, फिर शक्कर डाला, चीनी, मीठा, तो उसको घोल दिया दही में। अगर हो सके तो एक केला मसल के उसमें डाल दिया, केले से जो है कोमल हो जाते हैं, कोमल बनाने हैं तो, नहीं तो कुड़क बनाने हैं तो बिना केले के फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उसके बाद कितनी देर रखना होता है उसको? बस एक घंटा। उसके बाद बस आप जैसे नॉर्मली कोई भी चीज तलने वाली, डीप फ्राई वाली, जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसे ही तल दिया इनको। क्योंकि मैं देखती हूँ कोई है वो बहुत कमेंट करती है कि पुए की रेसिपी बताओ, बहुत अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया लगते हैं। और आज ये देख रहे हैं, आओ देख रहे हैं, भर भर के पता नहीं किसके लिए बन रहे हैं आज। बताओगे चलो किसके लिए बन रहे हैं? अरे अब तो मिल गया, क्योंकि तारीफ ज्यादा है ना, डिमांड तो बहुत जगह से है। तो मम्मी और दद्दू दो दिन के लिए जा रहे हैं, और दद्दू भी दिखाती हूँ मैं आपको। दरवाजा बंद किया मिट्टू के लिए, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ ऐसे। मम्मी जी की जाने से जस्ट पहले ये बड़ी भयंकर वाली तैयारी हो रही है। सुशांत भैया को नमक बहुत पसंद है ना मामा, और उन्होंने बोला था कि लेके गए थे वो इस बार, और फिर ख़त्म हो गया। तो मम्मी अपने बेटे के लिए इतनी जुगत कर रही है, देख रहे हैं, देख रहे हैं सुशांत भैया आप। और इसमें नमक में डाला है, छिल में पिसी लूँ। और इसमें हरी मिर्च डाली है, लहसुन भी दिख रहा है मुझे इसमें। ये क्या है यार, ये लहसुन? अच्छा, लहसुन भी मिर्च लहसुन उसमें पीस लेते हैं, मिर्ची थोड़ी हो गई। अच्छा अच्छा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा, तो ये और ज्यादा टेस्टी हो ना इसमें। और मसाले, बड़ा बर्तन लिया, खुशबू इज नाइस। ओके यो मोमिंदर, यो मोमिंदर, थारा भाई मोमिंदर इतना नमक पीसेगा, इतना नमक पीसेगा। ऐसा है ना बेटा सुशांत, तूने सोची भी ना होगी। बोल, नमक तो मैं पीस रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलती हूँ गिफ्ट तो औरों को दे रहा है, मिट्टू को क्या पता तूने गिफ्ट दे रखा है। गिफ्ट मेरे को देना, ये देख रहा है, ये हाथ मेरे पीस रहे हैं। यो जोगिंदर, एक बार करके दादू करके तो दिखाओ एक बार, प्लीज प्लीज। थारा भाई पंकज ऐसी मूछ बनाएगा, ऐसी मूछ बनाएगा, तुम देखते रह जाओगे। थारा भाई पंकज, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इससे, क्या बताऊं मैं। तैयार हो गया थारा भाई पंकज। और अगर वीडियो से खुशबू महसूस होने वाली होती तो मैं आपको खुशबू भी महसूस कराती। क्या महक रहे हो भैया, कौन सा डाले हो सेंट? सेंट कौन सा डाले हो सेंट? अरे ना है यार, आज 10 साल हो गए थे। तो आज तो घूमने जा रहे हैं, आज तो भैया घूमने जा रहे हैं, हमको नहीं ले जा रहे हैं भैया घूमने जा रहे हैं। दिक्कत जब रही, टीवी इंस्टॉल हो गई है, अब दीवार में टक गई है मतलब। तो जी टीवी हमारी इंस्टॉल हो गई यहाँ पे। मैं सुबह से ठीक नहीं थी, मैं सोई हुई थी, तो मम्मी और भाई चले गए हैं, उन्हें जहाँ जाना था, और फिर बस हम दोनों यहाँ पे। अब हम दोनों ही बचे हैं, 2-3 दिनों तक आपको हम दोनों की शक्ल देंगे। भाभी सो रही हैं अभी, धूप पर हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बस अब दीदी को मैं मारूंगी अंदर कमरे में ले जाके अकेले में। वो तो टाइम ही बताएगा कौन किसको मारेगा। ये चीज़ हो रही है, पर एक बात ये भी, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई ना। करें नहीं यार, टच वुड।
छोड़ ये, कितनी अच्छी है, इसने खाना बनाया, सबको खिलाया, बर्तन मेरे लिए रखे थे धोने के लिए। मैं उठी तो मैंने सबसे पहले बर्तन धोए। मतलब हम दोनों ना स्टार्टिंग से ही साथ में रहे हैं, मतलब घर में बहुत कम रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो हमारा क्या हो गया था कि काम फिक्स हो गया था, आधे काम ये करती थी आधे काम मैं, जैसे ये आटा गूंथती थी और रोटी बनाती थी ना, तो मुझे आटा गूंथना नहीं आता, उसको रोटी बनाना अभी तक भी नहीं आता, थोड़ा आता है। और मैंने कभी बर्तन नहीं मले और इसने कभी खाना नहीं बनाया, मतलब फिक्स था सब कुछ। लेकिन जब मेरी शादी, उसके बाद जो चीज़ें मैंने नहीं करी थी वो मुझे करनी पड़ी, करनी क्या पड़ी, मतलब आती थी थोड़ी बहुत वो स्टार्टिंग वाले दिनों में, तो मतलब डे फर्स्ट को जब मैंने आटा गूंथा ना, मुझे समझ में ही नहीं आया। और मैं जब खाना बनाया वहाँ, तो मुझे ऐसा मन कर रहा था मैं तवे को अपने ही सर पे पटक लूं। कि ये चीज़ें होती है टाइम के साथ आ जाती, जैसे अब मैं बना लेती हूँ, बट अब मेरा ना वो शौक ही मर गया खाना बनाने वाला, कि क्योंकि अब हमेशा बना बनाया मिलता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी मुझे खाने की शौकीन नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, पर बहुत आफत आती है भाइयों, इसीलिए कोई दो बहनें अगर हमारी बात सुननी है, मिल बांट के भी करते हो ना, तो बदल के किया करो, बहुत आफत आती है भाई। ससुराल जाओगे, खैर बिना ससुराल जाए आफत आ जाती है, मुझसे पूछो। खैर फिलहाल हम लोग टीवी लगा दिए, तो इस पे केबल कनेक्ट करें जब तक हमारा वो नहीं आता है टाटा स्काई, तब तक, अभी तक नहीं आया टाटा स्काई, मतलब अब तो शायद कन्फर्म हो गया है ना क्या आएगा भाई, लिखेंगे तो इतनी गर्म क्यों हो रही है, नहीं तो हाँ, तो अभी ये करते हैं, बस इतनी कहानी है। बाहर हो रही है बारिश, और चाय पिलाए, कॉफ़ी पिलाओ, ब्लैक कॉफ़ी पिया, वो तो अच्छी बनाती है ना। ओके बाय, चले जी, ये कहानी है। और बाकी टीवी हमने यहाँ पे लगा ली है, यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या सिस्टम था, ये लगा दिया, अभी इसका सारा मैनेज करना है। मैं सोई थी, कब क्या हुआ मुझे कुछ अता पता नहीं है। और मैंने आपको स्पीकर नहीं दिखाया था, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में इसकी कोई जरूरत है, सब तो इतना लाउड बोलते हैं, इसके बाद तो सुनाई तुझे है ना जरूरत, तू ऐसे बोलती है, मैं बहुत धीरे बोलती हूं। में इसकी किसी एक मैं ही हूं जो धीरे बोलती हूं इस घर में, पापा भी थोड़ा कम बोलते हैं, बाकी सब तो चिल्ला के बोलते हैं, तो ये काफी अच्छा साउंड है इसका। अभी हम चला के भी दिखाएंगे, अगर कॉपीराइट नहीं आएगा तो, कॉपीराइट आता है, बहुत कॉपीराइट आता है, वैसे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो भूल भी दे रहे सॉन्ग है। हाँ मेरे भी सॉन्ग है, अभी गंदा भी है, ये साफ करेंगे, ये ऐसे लगा था, बट मिट्टू क्योंकि अब पहुंचेगी तो उसको बजाएगी, अभी उठ के आई नहीं है, हमने इसे खड़े करके लगा दिया। अभी बहुत कुछ करना है बाकी है, बाकी देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं दोनों दिनों में। बाकी मैं ना वो करके आई थी ना कल, पानी से नहाई हूँ, तो मुझे आपको पता है मुझे प्रॉब्लम है साइनस की, तो आज बहुत बढ़िया तरीके से हैंग हुए हैं हम, और किसी को दोष भी नहीं दे सकते क्योंकि खुद की गलती है। चलिए, और मैं तूने खाना भी तो रात को चावल खाए थे, और उसके बाद छाछ भी पी ली दो तीन गिलास, मम्मी मना भी कर दी थी फिर भी तूने माना नहीं। चलो हर चीज़ नहीं बतानी होती है, चलिए अब हम काम निपटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी, तो तुम क्या अपना ये डॉक्टर के साथ में लेके सोते हो भैया? हाँ जी भैया जी, बताओ भैया जी। एक और कुर्ती मिट्टू के लिए आ रही है थोड़ी देर में, और दुबे है, और तैयार है मिट्टू का नया कुर्ता, बताइए जरा कैसा लग रहा है। Are you loving your new suit? Yes, मिट्टू जी खुद ही को देखते रहती है जब देखो इसको। Wow, wow, so pretty, very pretty. Why are you wearing my sweater, बुआ? इसको उतारो और रखो उतार बुआ। हाँ मेरी है। मतलब मैंने दान में तुझे कह दी तेरी हो गई। अब तो मेरी हो गई, जो दान की हुई चीज वापस थोड़ी लेते हैं। उतार फटाफट उतार। हम करेंगे वाह, हम है ना तुम्हारे रखे हुए पर्सनल में, प्लीज कर लो बुआ, वो किचन की सफाई कर लो बुआ, हम तो अपना काम कर ले बुआ, इसकी अच्छी सी फोटो खींचना, तो शेयर सब्सक्राइब हमारी कोनी बुआ कोनी बुआ के चैनल को, चैनल मूड नहीं है अभी, कर देना। लेकिन ना कहीं इसने नहीं कहा, इसका मतलब ही नहीं कि करना नहीं है, करना है, सब्सक्राइब करना है, करना है। चलिए दोस्तों, अब सिंक भर के बर्तन धोते हैं।
आपको दिखाएंगे नहीं है, आप खूबसूरत चेहरे ही देखो बस। सॉरी पापा न्यूज देख रहे हैं तो आवाज कम नहीं कर सकते टीवी की, बट आज महीनों बाद, कितने महीनों बाद दीदा शादी? नहीं शादी से पहले खाया था तेरे हाथ का खाना। हाँ मतलब तो शादी से पहले? अरे नहीं नहीं शादी से पहले नहीं, जब मैं तेरे घर आई थी शादी के बाद तब खाया था। अभी नहीं खाया था 2 महीने पहले। क्या याद कर लो, 2 महीने पहले क्या था? जब तू मेरे आई थी। 2 महीने पहले नहीं आई थी सिस्टर, मैं 6 महीने पहले आई थी। 7 महीने? 7 महीने तो शादी को है, तू शादी के ही महीने आई थी। हाँ तो बना रही है रोटी सिस्टर हमारी, खाना बना रही है। बल्ले बल्ले दीदी है तो मेरे को कोई काम नहीं करना पड़ता। और बल्ले बल्ले तो वो तो मली रही हूँ सुबह से। तो जी मम्मी डांट लगाती है तब तो बुरा लगता ही है, बट मम्मी के बिना ना एक दिन भी अच्छा नहीं लगता। घर तभी अच्छा है जब माँ हो वहाँ, है ना? मजा नहीं आ रहा मम्मी के बिना। और तो यहाँ फिर भी 2-3 लोगों में वहाँ गए मम्मी कितने बार आ जाते हैं, है ना? तो ये बात हो रही है, बाकी इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड। आ जाएंगे मम्मी लोग कल परसों, क्या पता आज शाम को ही आ जाएं, तो आई जाएं तो अच्छा है जल्दी से, है ना? इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं हम कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। पीछे से मशीन की आवाज़ आ रही है, एक मिनट मशीन बंद कर सकते हो प्लीज़। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड और आपसे मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्यार बरसाते रहिए, सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिए, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और सबसे ज़रूरी बात आप मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराएंगे आपका मूड अच्छा होगा, आपका मूड अच्छा होगा तो आप यूट्यूब पर आएंगे, हमारी वीडियोज़ देखेंगे, तो आपके मुस्कुराने में हमारा ही फ़ायदा है। और एक और ख़ास बात है आपके मुस्कुराने में कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट ना बहुत प्यारी है, सच में बहुत प्यारी है। कल मिलते हैं।